तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज के इंटरव्यू दो तीन मैंने डाल दिए थे और बाकी के लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं। रामू राय का सर जी का बोर्ड था इनका, ग्रेजुएशन BA करी है इन्होंने। तो सबसे पहले 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की और कौन कौन सी डिग्रियाँ जो भी हैं इनके पास में। फिर मेंबर फर्स्ट ने पूछा, बोर्ड के चेयर मतलब चेयरमैन ने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछे। फिर मेंबर पूछता है, राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या किस भाग की है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या क्या थे। मतलब सब्जेक्ट इनसे पूछे ही नहीं, उससे पहले ही इन्होंने मतलब ये शुरू हो गए, सब्जेक्ट तो बाद में पूछ रहे हैं। सर्वाधिक इंडस्ट्रीज़ किस क्षेत्र में है, मतलब एरिया पूछा। फिर एरिया में जैसे अपन चार भौतिक विभाग बताते हैं, फिर इनमें से ही पूछ लिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है ना, और फिर इनमें से ही पूछ लिया सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, फिर किस एरिया में कौन सी इंडस्ट्री है ये भी पूछा इनसे, है ना। फिर विदेश नीति के हालिया घटनाक्रम में पाकिस्तान चीन बांग्लादेश को लेकर के पाकिस्तान से कैसे क्या संबंध है, जैसे अभी अपन हार्ट ऑफ एशिया सबमिट करके आए हैं ना, तो इसलिए कि कुछ कुछ पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधर रहे हैं। पहली बार हम एक्सरसाइज में भी भाग ले रहे हैं, सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। चाइना से अभी हमने मतलब डोकलाम विवाद और कितने सारे विवाद हुए थे, उसके बाद में हमने डोकलाम विवाद तो भूटान वाला था, उसके बाद में अभी जैसे हमने चाइना से रिश्ते सुधारे हैं, द्विपक्षीय वार्ता चाइना के साथ करी है, और बांग्लादेश से जैसे शरणार्थियों की समस्या ये सब हो रही है, और बांग्लादेश की आज़ादी को अभी 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में भी बांग्लादेश के साथ अभी मोदी जी यात्रा पे जाके आए हैं बांग्लादेश की, तो इस उपलक्ष्य में हमारे ये तीनों देशों से विदेश नीति पूछी गई। सिंधु आयोग की जानकारी वह हाल ही में उसका भारतीय दौरा और घोषणाएं। सिंधु आयोग वो सिंधु नदी समझौते वाली पे एक दोस्तों मीटिंग हुई थी अभी, तो उसी से रिलेटेड बातें इनसे पूछी गई। फिर मेंबर थर्ड ने पूछा, 5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जाहिर है धैर्य तो होगा, और प्रशासन में धैर्य का कहाँ उपयोग करेंगे, है ना। फिर आए दिन भ्रष्टाचार का न्यूज़ में आना, आपकी क्या राय है, मतलब क्यों इतने भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। फिर भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय क्या है, पावर करप्ट एब्सोल्यूट वाला जो वो था सेंटेंस, वो पहले भी एक जने से पूछा गया था, तो उसी का मतलब पूछा है। फिर तो आप भी प्रशासक बनकर भ्रष्टाचार करेंगे, मतलब इस सेंटेंस का मतलब यही होता है कि पावर करप्ट करती है और जो एब्सोल्यूट पावर है वो टोटली करप्ट कर देती है ना। तो इन्होंने इस कथन को एग्री किया होगा, तो फिर इन्होंने कहा कि तो फिर आप भी ऑफिसर बन जाएंगे तो आपके पास भी पावर होगी, तो आप भी भ्रष्टाचार करेंगे, ठीक है। फिर इनको एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री और ही हैज़ गोन 2 मिनट्स अगो है, मतलब करेक्ट है क्या, इनसे दो क्वेश्चन, जैसे एक पहले भी एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे उनसे भी ये करेक्शन करवाया था, तो इनसे भी एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री और ही हैज़ गोन 2 मिनट्स अगो, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें दोस्तों हम सोच के तो थोड़ा सा सही कर सकते हैं, एग्जैक्ट वहाँ पे अपन को थोड़ा सा प्रेशर भी होता है तो वहाँ पे सही करना, लेकिन अगर मोटी सी अपन को दिक्कत सामने दिख जाए तो ये ठीक है कि ये सही कर दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीचे कि इन दोनों में क्या करेक्शन है, कहाँ गलती है या फिर सही है। आगे फिर चेयरमैन सर ने पूछा कि NJAC क्या। अब NJAC बहुत चर्चा में आ रहा है क्योंकि हमारे जो नए CGI हैं वो नियुक्त हो रहे हैं, तो NJAC पूछा जा रहा है इससे। किताबी बातों को भूल जाओ और प्रशासक होने के नाते अपनी राय बताइए। NJAC के बारे में पूछा होगा कि NJAC सही है कि नहीं है, तो किताबी बातें भूलकर अपनी राय इनसे पूछी, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक मेंबर का इंटरव्यू। फिर है दूसरे का, जिन्होंने 3 मेल मेंबर थे और भूपेंद्र सिंह यादव सर का बोर्ड था। समय और दिनांक 31 मार्च और सुबह 9 बजे इनका इंटरव्यू था। साक्षात्कार की अवधि 28 मिनट, 11:06 से लेकर 11:34 तक इंटरव्यू चला, मतलब फर्स्ट ही फर्स्ट इनका इंटरव्यू था, है ना। 9 बजे से तो अपन को एंटर करवाते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके लगभग 11:15 तक ही अपना स्टार्ट होता है ना इंटरव्यू। हॉबी थी इनकी विलेज टूरिज्म, जॉब है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वित्त मंत्रालय भारत सरकार, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ये पहले से ही है, तो ऐसे लोगों का तो इंप्रेशन वैसे ही अच्छा चला जाता है, इतनी अच्छी जॉब में पहले से होते हैं। चेयरमैन सर ने पूछा कि ग्रेजुएशन 2015 में महाराजा कॉलेज से की, सब्जेक्ट कौन से थे, इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी, ग्रेजुएशन क्यों करी, इंजीनियरिंग और प्रशासन के योगदान में मूल अंतर क्या है, 2017 से आयकर विभाग में क्या क्या काम किया है, अध्यक्ष महोदय ने मेंबर फर्स्ट की ओर इशारा किया, किस संभाग से हो, इन्होंने इनको पूछा गया। अब इनसे जिला नहीं पूछा गया, आज सुबह ही मेंबर ने जो बोर्ड के चेयर सॉरी अपने जो RPSC के चेयरमैन हैं भूपेंद्र सर, उन्होंने मना किया था जिला बताने के लिए, नाम बताने के लिए, तो देखिए जिला पूछा ही नहीं गया, किस संभाग से हैं डायरेक्ट ये पूछा गया। जयपुर संभाग की इम्पोर्टेंस क्या है,
उन्होंने कहा होगा जयपुर संभाग से, तो उसकी इम्पोर्टेंस पूछ ली। आपकी राय बताइए कि कौन सा संभाग शिक्षण संस्थानों की वजह से अग्रणी है और कौन कौन से संस्थान वहाँ पे है, बजट में कौन कौन से संस्थान शिक्षा के लिए किए गए हैं। अब ये संभाग से पूछ रहे हैं कि पूरे संभागों में कौन सा शिक्षा में अग्रणी है ना, और फिर उसमें क्या क्या मतलब शिक्षा संस्थान है। फिर मेंबर सेकंड ने पूछा बजट में इनकम टैक्स से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, भारत के बजट का आकार कितना है, राजस्थान के बजट का आकार कितना है, ओल्ड रिजाइम वर्सेस न्यू रिजाइम ऑफ ITR इनसे पूछा गया। जब ITR भरने के लिए पहले से प्रणाली है तो न्यू रिजाइम की ज़रूरत कहाँ थी, इंस्पेक्टर के रूप में आपके क्या कार्य हैं। फिर इनकी हॉबी थी विलेज टूरिज्म, तो ग्रामीण पर्यटन क्या है, प्रशासक के तौर पर आप इसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे, फिर ग्रामीण पर्यटन हेतु फंड कैसे जुटाएंगे, फिर ब्रांडिंग कैसे करेंगे, ब्रांडिंग हेतु उपाय बताइए, ग्रामीण पर्यटन से गांव का वातावरण प्रदूषित, जनजातीय संकट कैसे इन्हें टैकल करेंगे ना, और मेडिकल टूरिज्म क्या है, उदाहरण बताइए, राजस्थान में अभी कहां कहां उपचुनाव हो रहे हैं और मतदान की तिथि क्या है, ये इनसे पूछे गए थे। तो मोस्टली जॉब पे हैं, जॉब में हैं, तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन और हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछे गए। चेयरमैन साहब ने पुनः पूछा पॉलिटिकल रेड्स हो रही हैं तो आपकी क्या भूमिका है इनमें, क्या आप उसे रोक सकते हैं। फिर आपके संभाग में कोई प्रसिद्ध संत हैं क्या, जयपुर संभाग में तो दादू दयाल जी हैं, सुंदरदास जी हैं, तो इनके विषय में दादू दयाल जी से सिख धर्म का जुड़ाव पूछा था, तो सिख धर्म से दादू दयाल जी का क्या जुड़ाव है, उन्होंने कुछ अपनी जो कविताएँ मतलब पदावलियाँ या जो भी लिखा था इन्होंने, दादूरी वाणी दादूरा दुहा, उनको किसी को लिया गया है क्या सिख धर्म से, सिख धर्म के उसमें एग्जैक्ट नहीं पता। मीराबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था, मेड़ता नागौर में हुआ था। तुलसीदास जी से इनका क्या संबंध है, ये भी इनसे पूछा गया था, शायद तुलसीदास जी को गुरु माना होगा इन्होंने। रांगे राघव कहाँ से है और इनका उपन्यास कौन सा है, तो भाई भूपेंद्र सर ने तो राजस्थान से ज़्यादा ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया ना, कोई बात नहीं, कहीं भी जा सकता है। ओवरऑल रिव्यू दिया, हॉबी और जॉब से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए, ऑल आर एक्सपेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड, मोस्टली इंटरव्यू बेस्ड ऑन एनालिसिस अप्रोच, राजस्थान में संत साहित्य फैक्चुअल क्वेश्चन पर सॉरी बोल दिया, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू। अच्छा था इनका मतलब इंटरव्यू। फिर थर्ड मेंबर है दोस्तों, रामू राय का सर जी का बोर्ड था, 31/3 आज था इनका इंटरव्यू, और डिस्ट्रिक्ट था इनका हनुमानगढ़, हॉबी डायरी राइटिंग थी। इनका इंटरव्यू देखेगा, इनको मतलब खुद का भी बहुत अच्छा लगा और इनका क्वेश्चन पढ़ने से भी पता चल रहा है कि इनका बहुत अच्छा हुआ है। 10th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, 2017 में रीट, ये 2017 में रीट क्या है या कौन सा लेवल के टीचर हो, मतलब ये टीचर हैं रीट से तो थर्ड ग्रेड, मतलब ग्रेड थर्ड के, थर्ड ग्रेड नहीं बोलेंगे, ग्रेड थर्ड के टीचर हैं। मेंबर फर्स्ट ने पूछा हनुमानगढ़ की नहर प्रणाली के बारे में बताइए, फिर गंग नहर से कौन से एरिया में सिंचाई होती है, फिर स्पेशल गाँव के नाम पूछे, फिर भागड़ा नांगल सिंचाई कौन से एरिया में होती है, गाँव के नाम बताओ, नोहर भादरा में किस से सिंचाई होती है, क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर में नहरें हैं तो उनसे ज़्यादा इनके क्वेश्चन पूछते हैं। सेम की समस्या और समाधान के उपाय, कौन से एरिया में सेम की समस्या है, बड़ोपल गए हो क्या कभी, सेम देखी है कभी, जिले में नशे की समस्या के कारण क्या है, युवाओं में नशे का क्या कारण है, समाधान और रणनीति बताइए, किसान आंदोलन क्या है, और फिर तीनों के नाम बताइए, है ना, इन्होंने तीन बिल बताए होंगे, फिर तीनों के नाम बताइए, फिर इनको वेरी गुड बोला, अब बताओ कि कमियाँ क्या है कानूनों में, समस्या कहाँ है ना, फिर इन्होंने मंडियों वाली बात बोली होगी, EPMC ख़त्म, तो EPMC ख़त्म होने से क्या हो जाएगा, फिर इनसे MSP पूछा, इन्होंने कहा होगा कि MSP नहीं मिल पाएगा, MSP के कानूनी गारंटी देने के क्या नुकसान है ना, और कौन सा देश कृषि पर सब्सिडी देता है, चलो आप समाधान कैसे करेंगे, फिर टीचर हो कौन सी क्लास में पढ़ाते हो, RTE राइट टू एजुकेशन के प्रावधान बताइए, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, इसका विरोध क्यों होता है, क्या यह उचित है पॉलिसी के पक्ष में बताइए, फेल करना कहाँ तक उचित है, क्या दिक्कतें हैं फेल करेंगे तो, मतलब नो डिटेंशन में सजा देने, फेल मतलब फेल नहीं करने का प्रावधान है ना, तो फेल नहीं करना कहाँ तक उचित है ना, करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, साल भर बाद जो एक बार बच्चे का मूल्यांकन होता है वो क्या ठीक है या साल भर चलता रहता है वो ठीक है, फिर NCF क्या है, असर रिपोर्ट क्या है, प्रावधान बताइए एक दो। तो दोस्तों बहुत सारा पूछ लिया, असर रिपोर्ट मुझे लगता है शायद इसलिए पूछी होगी इनसे कि एक तो टीचर तो हैं ही जैसे, और उसके साथ ही आज एडिटोरियल आया था
भास्कर में, उसमें ऐसा रिपोर्ट और ये शिक्षा के बारे में सब कुछ दिया था, तो शायद इससे वो पढ़ के आए होंगे मेंबर। हनुमानगढ़ में एक ऐसे खनिज भंडारण मिले हैं जिसकी मोनोपोली डिस्ट्रिक्ट के पास में है देश में, तो वो कौन से खनिज हैं और कितने प्रतिशत है? अच्छा, आपको प्रतिशत भी मालूम है तो इसका खनन क्यों नहीं हो रहा है? मतलब इनसे इम्प्रेस हो रहे हैं, इन्होंने प्रतिशत भी बता दिया। अच्छा किस विधि से कर सकते हैं इसका खनन? कौन सा खनिज मिला है हनुमानगढ़ में स्पेशल ऐसा? तो भाई जो हनुमानगढ़ एरिया का है वो हमें भी बताए कौन सा खनिज मिला है। फिर किस विधि से कर सकते हैं? क्या ये सॉल्यूशन माइनिंग है? भारत में टू मच डेमोक्रेसी, अभी नीति आयोग का स्टेटमेंट आया है, क्या सच में ऐसा है? भारत के साथ ही सिंगापुर, थाईलैंड, चीन आज़ाद हुए हैं, भारत इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाया है? ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ। अब डायरी राइटिंग इनकी हॉबी होगी, जिसने डायरी लिखी और देश के लिए असेट बन गई। तो अब्दुल कलाम जी थे ऐसे। अब्दुल कलाम जी की फेमस पंक्ति बताइए। तो इन्होंने क्या बताई मुझे नहीं पता, लेकिन एक वो है ना कि आपको सपने देखने पड़ेंगे सपने पूरे करने से पहले, यू हैव टू ड्रीम इफ़ यू वांट टू अचीव, ऐसे कुछ करके है उनकी फेमस पंक्ति जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली डायरी लिखने की? अपने मन से ही। अच्छा, कौन प्रशासक, इन्होंने किसी प्रशासक का नाम बताया होगा, प्रशासक का नाम, कहाँ के कलेक्टर हैं, डायरी का नाम, वर्ल्ड फेमस डायरी एनी फ्रैंक की है, वन फेमस डायरी, तो एनी फ्रैंक ने क्या लिखा था, डायरी लिखने के फ़ायदे क्या होते हैं, आप जा सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि साक्षात्कार बहुत ही शानदार रहा, आई होप फॉर गुड। तो हम भी दुआ करेंगे आपके अच्छे ही हों तीनों मेंबर्स, और आपका भी जिनके इंटरव्यू आज हुए हैं बहुत अच्छे नंबर आए, लग भी रहा है आपका शानदार वाला इंटरव्यू। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।